नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिलेंगे। कार्यक्रम में सभी खिलाड़ी, कोच और अधिकारी भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो शहडोल जिले के ब्योहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपियां में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार दिया है। सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहा है। हमास के हमले में इसराइल में मरने वालों की संख्या लगभग 900 हो गई है। वहीं इसराइल ने गाजा में जो पलटवार किया है उसे लगभग 700 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है। बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश के लिए 4, छत्तीसगढ़ के लिए 2, राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने एमपी में 136, छत्तीसगढ़ में 85 और राजस्थान में 41 प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष के कब्जे वाली सीटों पर दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। भारत के स्टार ओपनर शुभमन गिल के ताजा हेल्थ अपडेट ने टीम इंडिया और फैंस की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू से जूझ रहे शुभमन गिल के प्लेटलेट्स कम होने की वजह से उन्हें चेन्नई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्ला खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होगी। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में टोल को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर हमें रोका जाता है तो हम टोल बूथ में आग लगा देंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने टोल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में टोल वसूला जाना सबसे बड़ा स्कैम है। टोल वसूली बंद नहीं हुई तो हमारे लोग उसका विरोध करेंगे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जारंगे ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मराठा और कुनबी एक ही है, हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पार्टी सांसद राहुल गांधी एक काबिल नेता है लेकिन वे एक अच्छे वक्ता नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर कहा, कुछ टिप्पणियां मेरी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर दबाव डालने का प्रयास हो सकती है। मैं राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी टिप्पणी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकती। 5 राज्यों में हुई चुनाव की तारीखों की घोषणा पर आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। ठाकरे ने कहा है, लोग इंडिया गठबंधन द्वारा सुनिश्चित शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए वोट डालेंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूपीटी ने शनिवार रात कथित तौर पर घाटोपर में गुजराती भाषा में एक धातु की कलाकृति को तोड़ दिया और उसकी जगह एक मराठी साइन बोर्ड लगा दिया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि जब लोग शिंदे की शिवसेना कहते हैं तो लोग हंसते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक गोदाम में छापा मारने के बाद पुलिस ने करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। अभी भी इसकी कमाई जारी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।